हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर के 176 पे प्राइस चल रहा है और फ्राइडे को देखोगे तो 5% के लोअर सर्किट में स्टॉक था। क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले क्वार्टर टू के रिजल्ट देखने वाले हैं, फंडामेंटल देखने वाले हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा ही इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिल रहा है वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे टेक्निकल चार्ट को। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक पीसी ज्वेलर्स के, और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैप पहुंच चुका है 8,233 करोड़ पे। स्टॉक का ई पे नजर डालोगे तो 537 के पास में ट्रेड कर रहा है इस समय। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी 54 की है। डेट इक्विटी में से इनका वन टाइम सेटलमेंट का इशू हो चुका है क्लियर, तो आप इसको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो मात्र 13 रुपए की निकल के आ रही है, बुक वैल्यू 73 रुपए की है। बाकी फंडामेंटल उतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि ऑल टाइम से नीचे से ही बाउंस देखने को मिल रहा है और हाल ही में काफी अच्छी एक रैली भी स्टॉक ने दिखाई है यहाँ पर देखोगे। बाकी अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले क्वार्टर में देखोगे तो सेल्स थी लगभग 450 करोड़ की, इस बार निकल गई है 505 करोड़ की। आप लोगों को सेल्स अच्छा है, चलो बढ़िया है, जंप कर रहा है। लेकिन प्रॉफिट पे नजर डालोगे तो -138 करोड़ से बढ़कर के हो गई है 179 करोड़। ये क्यों हुआ? तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, काफी अच्छी चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है बदलाव है, 124 करोड़ का जो डेट था वो घट करके सिर्फ अब बहुत कम रह गया है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर की थी, जब स्टॉक 93 में ट्रेड करा था तो यही जो न्यूज थी, जो उसका डेट था उसका बैंकों के साथ सेटलमेंट हो चुका है, वन टाइम पेमेंट सेटलमेंट हो चुका है, तो इस वजह से कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री की ओर कंसिडर हो रही है। इसी वजह से लास्ट क्वार्टर में भी सिर्फ 2 करोड़ का फाइनेंशियल कॉस्ट थी, और इस बार भी देखोगे तो सिर्फ 2 करोड़ की फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी टैक्स में रिबेट भी इनको देखने को मिल रही है कि बार बार -84%, -45%, इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी और तगड़ा निकल के आ रहा है। पिछली बार था 156 करोड़ का टोटल और इस बार देखने को मिल रहा है 179 करोड़ का है। ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्च से 2400 करोड़ का इनके पास था। वापस से देखोगे तो इनके पास हमेशा जो प्रॉफिट है वो घट रहे थे, फाइनली अब बढ़ना स्टार्ट हो गए, ये काफी अच्छी चीज है। और ये भी देखना अगले क्वार्टर तक या जब मार्च का क्वार्टर आएगा तो इसमें ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत कम निकल के आने वाला है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है वो तो काफी लंबे समय से, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, FII का 2.5% के आसपास हुआ करती थी, बढ़कर के लगभग 3.31% हो गई है। वही DII भी देखोगे तो DII भी इंटरेस्ट तरीके से बढ़ा रहे हैं, मतलब FII और DII ने अपने स्टेक को इम्प्रूव किया है। अब स्वाभाविक है अगर ये दोनों बढ़ाएंगे तो पब्लिक की होल्डिंग तो घटती हुई देखने को मिलेगी ही। पब्लिक में भी देखोगे तो यहाँ पर दो नाम निकल के आ रहे हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि 36% के आसपास का मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल है। तो क्वार्टर टू के रिजल्ट तो डेफिनेटली काफी अच्छे देखने को लग रहे हैं, प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं, डेफिनेटली सेल्स भी इंप्रूव देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी पिक अभी भी क्या है ये देखने वाली बात है। तो देखिए हम लोगों ने स्टॉक को कुछ पिक किया था यहाँ पर, जब ये न्यूज निकल गई थी 93 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, और अगर आप वो वीडियो देख देख सकते तो पिन कमेंट में भी आपको वो उस वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, वहां पर मैंने डिटेल में इसके क्या क्यों फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। तो अब देखिए बहुत लंबे समय से स्टॉक क्या कर रहा है, 20 MA को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, 20 MA के नीचे क्लोजिंग देखने को हम लोगों को अभी नहीं मिल रही है, तो इसी को स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसी के नीचे यूज करेंगे। तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग निकल के आएगा, तो ये ट्रेंड लाइन भी काफी अच्छी है, 20 MA के पास में ही है, तो इस ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। 154 के क्लोजिंग के अगर नीचे निकल के आती है तो डेफिनेटली वीकनेस रहने वाली है, ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि अब ये एक लास्ट अटेम्प्ट होगा स्टॉक के लिए, और स्टॉक अगर यहाँ से जाता है तो 240 रुपए तक देखने को यहाँ से मिल सकता है। बाकी अगर देखोगे अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो मुझे लग रहा है कि हार्डली अभी 20 MA के पास में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट वगैरह काफी अच्छे देखने को अभी भी मिल रहे हैं। बाकी अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है तो मुझे लग रहा है कि अभी जब स्टॉक वापस से एक बार रिटेस्ट करे तो 105 रुपए 110 रुपए के आसपास एक अच्छी पिक डेफिनेटली अभी भी
हो सकती है, क्योंकि इसका देखोगे तो क्या है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑलरेडी डन है। ये देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑलरेडी डन हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब वापस से 109 रुपए, 110 रुपए के पास में जब स्टॉक वापस से देखने को हम लोगों को मिले रिटेस्ट करने के लिए, तब वो टाइम डेफिनेटली एक पिकिंग टाइम हो सकता है। लेकिन अभी इन लेवलों से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में नहीं, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह तो बन सकती है, बाकी अगर देखोगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है तो हम लोग ये टारगेट यहाँ से लेकर के चल सकते हैं, लेकिन इस प्राइस से नहीं। डेफिनेटली स्टॉक जब डाउन आए अभी तो अभी वेट करना बेटर है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर देखा जाए तो 20 EMA एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, वहां पर स्टॉक को देखा जा सकता है और वापस से नीचे की साइड में बेच ऊपर की साइड में जब वापस आ जाए तो फिर बेचने की स्ट्रेटजी भी रह सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कि PC ज्वेलर्स में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और लास्ट वीडियो देखना हो तो पिन कमेंट में आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगी। और किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।